वेलकम टू किचन विद सना। प्लीज हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाजमन बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद सना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव बना रहे हैं। ये मटन पुलाव इतना मज़े का है और बहुत ही आसान है, आप इसे यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने हाफ के जी ये मटन लिया है, ये हमने बोन के साथ लिया है, हड्डियों के साथ। अगर हम हड्डियों के साथ लेंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और यखनी के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं, 3-4 पत्तर, ये हमने तेज़ पत्ते लिए हैं, ये छोटे हैं इसलिए हमने ज़रा ज़्यादा लिया, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप दो भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो इन चीज़ों की मकदार आप फिर ज़्यादा करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, एक नॉर्मल प्याज हमने लिया और रफली काट लिया है, और इस तरह एक पीस लहसुन का लिया, थोड़ी देर हमने इसे पानी में भिगोया ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। पूरा पीस हमने ये ले लिया लहसुन का, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी की, 1 साबुत फूल बादियान का, 3 काली इलायची। और ये चीज़ें हैं सारी हमारे पास यखनी की। चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया, इसमें हम मटन डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, और तकरीबन 4 गिलास हम पानी डालेंगे। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, मटन बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए। बस ये ख्याल रखना है आपने कि बोटी मटन की टूटे नहीं। दस मिनट हो चुकी हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखें जी, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। गोश्त को हम निकाल लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे आपका गोश्त ना गले तो आप फिर 5-7 मिनट के लिए और वेट लगा के गोश्त को अच्छी तरह गला लें। गोश्त को हम अलग से निकाल लेते हैं। गोश्त को अलग से हमने निकाल ली है, अब हम यखनी को छान लेते हैं। अच्छी तरह ये सारी चीज़ें दबा के हम इनका भी जूस निकाल लेते हैं। चले जी, यखनी भी अलहदा हो गई है और गोश्त भी अलहदा हो गया, अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अब चावल पकाने के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं, 1/2 कप दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 हरी मिर्ची हैं इन्हें हमने आधा आधा कर लिया, 1 मीडियम प्याज और इसे बारीक सा काट लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून नमक, 4 से 5 सब्ज़ इलायची हमने ली हैं। अगर आप चाहें तो आप मिर्चें डालें, लाल मिर्चें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि पुलाव में ये लाल मिर्चें नहीं डाली जाती। हम अपने टेस्ट के मुताबिक बना रहे हैं, आप इन लाल मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। नमक बाद में हम टेस्ट करके अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। बर्तन हमने ले लिया, इसमें 1/2 कप हमने ऑयल डाल दिया और साथ ही हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। प्याज पे गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम 1 टीस्पून ज़ीरा और ये सब्ज़ी इलायची डाल देते हैं, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 10 सेकंड के लिए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया और साथ ही हमने मटन
5 मिनट के लिए मटन को हम भूनते हैं। तीन चार मिनट के लिए मटन को हमने भून ली है। अब इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी है, साथ ही हमने ये दही डाल दिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। हमारे गरम मसाले में जावित्री और जायफल है। अगर आपके गरम मसाले में ये चीज़ें नहीं तो आप अलहदा से 2 से 3 पिंच डाल दीजिएगा। अच्छी तरह ये सारा कुछ मिक्स करते हैं। एक मिनट के लिए ये मसाले जो हमने डालने हैं इन्हें भूनते हैं ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मटन के साथ मसाले बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं, ये देखिए आप। और जो हमने दही डाला है वो भी खुश्क हो गया है, ये देखिए ऑयल एक्स्ट्रा हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं यखनी। तकरीबन 2 गिलास के बराबर हमारे पास चावल है और 4 गिलास हमें यखनी चाहिए। ये 4 गिलास हमारे पास यखनी है। अगर आपके पास यखनी इतनी ना हो तो फिर आप एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम एक बॉईल का इंतज़ार करते हैं, फिर हम इसमें चावल डालते हैं। पानी का बॉईल आ चुका है। ये हमारे पास चावल है, तकरीबन ये 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, 2 गिलास के बराबर। 1 घंटे से हमने भिगोए हुए थे, अब पानी निकाल दिया हमने और अब हम डालते हैं यखनी में। चावल डाल के हमने अच्छी तरह हिला दिए। जब आधा पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम नमक टेस्ट करेंगे। नमक कम लगे तो फिर आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। चावलों के बॉईल का इंतज़ार करते हैं। चावलों का आधा पानी खुश्क हो चुका है, अब हम नमक टेस्ट करते हैं। अगर इस पॉइंट में आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये जो पानी चावलों में रह गया है इसे भी हम ड्राई करते हैं। चावलों का सारा पानी खुश्क हो चुका है, अब हमने बर्तन के नीचे कढ़ाई के नीचे तवा रख दिया और फुल आंच जला दी है। चावलों को हम कवर करते हैं। जब चावलों में अच्छी तरह स्टीम बन जाएगी तो फिर आंच को हम आहिस्ता कर देंगे दम वाली आंच तकरीबन 10 मिनट के लिए। दम दिए हुए चावलों को 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। इस तरह साइड से सारे चावल हलाएंगे। चलें जी, मज़ेदार सा पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सा मटन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। ये इतना लजीज, इतना मज़े का बना है कि आप इसे हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। रायते और सैलड के साथ आप इसे इंजॉय करें। किचन विद सना को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।